वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हाँ हाँ जी, ये जो पहला बीज मंत्र है इसका शुद्ध उच्चारण करना है, जिस तरह किया गया है। पहला उच्चारण करना है एक, फिर बोलना है ओंकार। कई इसका उच्चारण एक ओंकार करते हैं या एक ओंकार करते हैं, जिन्होंने संथ्या नहीं की है वो इस तरह उच्चारण करते हैं, जिहड़ा बिल्कुल अशुद्ध है। जां एक ओम उच्चारण करते हैं, पर गुरबाणी दे विच भी महाराज ने इसका उच्चारण सानू बीज मंत्र का दसिया है। जिमें ओंकार बाणी है उहदे विच भी महाराज के बचन हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित। यानी जिहड़ा ओंकार उच्चारण करना है, ये उड़ा खुले मुंह वाला उड़ा उच्चारण करना है, बंद मुंह वाला उड़ा नहीं उच्चारण करना। 52 अखरी दे विच भी जिहड़ी भगतां दी बाणी दे विच 52 अखरी है, उहदे विच भी उच्चारण है ओंकार आदि मैं जाना, लिख हर मेटै ताहि ना माना। दसम ग्रंथ दे विच भी, 10वें पातशाह महाराज जी दी बाणी दे विच भी ये ओंकार दा उच्चारण महाराज ने लिखिया है। प्रथमे ओंकार तिन कहा, सो धुन पूर जगत मोरा। भाई साहिब भाई गुरदास जी ने भी वारां दे विच, कवितां दे विच बहुत थावां ते ओंकार पद वरत्या है। उत्थे भी ओंकार दा जिहड़ा लिखत दे विच उड़ा खुले मुंह वाला ऐड़े उत्ते टिप्पी कक्के कन्ना रारा उच्चारण करना है, इकट्ठा ही बोलना है। पहला बोलना है जिहड़ा एक, यानी जिहड़ी गणित विद्या दा एका है, इसका उच्चारण एक करना है। कई इसका उच्चारण एक कर जाते हैं, एक भी अशुद्ध उच्चारण है। ईड़ी सियारी कक्का एक, दूसरा उच्चारण करना है ओंकार। इस तरह शुद्ध बोलना है, संपर्दा दे विच इस तरह शुद्ध उच्चारण दसिया जाता है, एक ओंकार। फिर अगे है सत नाम, ये भी सतनाम नहीं कहना है, कई इकट्ठा ही बोल जाते हैं सतनाम। जिहड़ा सत पद है ये थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है, सात नहीं कहना है, सत नाम। अते अगे है करता पुरख, ये भी वक्रे वक्रे पद उच्चारण करने हैं, करता वक्रा बोलना है, पुरख वक्रा बोलना है। कई बार खखा रह जाता है, पुरख ही कह जाते हैं, खखा शुद्ध उच्चारण करना है पुरख। इस तरह दो दो पद उच्चारण करने हैं। निर्भउ निर्वैर, ये भी निर्भउ वक्रे वक्रे नहीं बोलने पद, ये पद इकट्ठा ही बोलना है, निर्भउ निर्वैर। कई निरभो कह जाते हैं, भब्बे हूड़ा ला देंगे हैं, पर भब्बा ऊड़ा बंद मूंह वाला है, थले औंकड़ लगी है, यदा उच्चारण है निर्भउ निर्वैर। अकाल मूरत। अकाल मूरत जेड़ा पाठ है ये संप्रदा दे विच दमदमी टकसाल विच इकट्ठा कराया जाता है, जिहड़ा लिखिया वखरा है पर पाठ इकट्ठा ही करना है। अकाल मूरत, कई तत्ता छड़ जाते हैं, अकाल मूरत कह देते हैं, शुद्ध तत्ता उच्चारण करना है, शुद्ध पद उच्चारण करना है, अकाल मूरत। अजूनी सैभं, अजूनी वखरा बोलना है, कई अजूनी सह बोल जाते हैं, अजूनी सह भंग उच्चारण कर देंगे हैं, अजूनी वखरा बोलना है, सह भंग इकट्ठा कहना है, सह भंग नहीं कहना है, सह भंग जां कई गग्गा ला देंगे हैं, सह भंग कह जाते हैं, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। उच्चारण करना है अजूनी, फिर बोलना है सह भंग, जूना दे विच नहीं आते हो, अते सह पंकी सुते प्रकाश हो। वाहिगुरु जी, गुर प्रसाद। मुख पाठ संप्रदा दे विच गुर वखरा कराया जाता है अते प्रसाद वखरा कराया जाता है, दूसरा गुर प्रसाद पाठ भी है। गुर दा अर्थ है चैतन स्वरूप हो, प्रसाद दा अर्थ है आनंद स्वरूप हो। वाहिगुरु जी, और प्रसाद दा जिहड़ा उच्चारण है ये पप्पे दे हेठां चरणा च रारा है,
इसका उच्चारण प्रसाद करना है। फिर आप जी गुरबाणी च जदों दर्शन करोंगे, बहुत थावां ते रारा पूरा भी आउंदा है, उसका उच्चारण है प्रसाद। हेठां रारा जिहड़ा बोलना है उसनू कहना है प्रसाद। शुद्ध उच्चारण है गुर प्रसाद। जाप जाप पद जिहड़ा है ये भी कई जप कस के बोल जाते हैं, उच्चारण पूला ही करना है जाप, यानी जपने योग हो वाहिगुरु जी, आप जी नू जपना चाहिए है, जप बाणी का नाम है। अगर असी जप कस के बोलांगे तो इहदा अर्थ हो जाएगा खाना, जिवें आसा राग दे विच भी सतगुरु साहब जी दे बचन हन, जपिए नाम जपिए अन्न, जपिए पहला जपिए पद पूला है, नाम जपना चाहिए है, जपिए अन्न का अर्थ है भी अन्न खाना चाहिए है। और इस तरह यानी ये पूला उच्चारण करना जाप, जप नहीं कहना है। आद सच जुगाद सच, हाँ जी, ये सच भी कस के बोलना है, आद सच जुगाद पद भी थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है, और जज्जा शुद्ध बोलना है, युगाद नहीं कह देना, कई यया ही ला देंगे, इसनों थोड़ा जा कस के बोलना है जुगाद सच। है भी सच, है भी वखरा बोलना है, भी भी वखरा बोलना है। कई अनजान हैप्पी कह जाते हैं, पप्पा ला जाते हैं, पर वख शुद्ध उच्चारण है भी सच। नानक होसी भी सच, ये भी नानक पद ते यमक ला के उच्चारण करना है, नानक यानी थोड़ा जा रुक के, नानक होसी भी सच। भी सच नहीं कहना है, भी सच कोई पाठ नहीं है, होसी भी इत थोड़ा जा ठहरा दे के फिर नखेर के बोलना है सच, नानक होसी भी सच।